हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए एक अच्छी सी इंट्राडे ट्रेडिंग वॉच लिस्ट बनाए, सो हमें एक आसानी हो कौन से स्टॉक हमारे बाइंग लिस्ट में होंगे, कौन से हमारे सेलिंग लिस्ट में होंगे, तो हमें क्या एक आइडिया लगे कि नहीं ये जो है लिस्ट मेरी उसमें ये बाइंग वाले स्टॉक है, ये सेलिंग वाले स्टॉक है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है ट्रेडिंग में। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में जो घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में हम उसमें स्ट्रेटेजी भी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम प्राइस एक्शन भी इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है, ये सब कुछ लर्न करना है, तो आप हमारे साथ सिंपल से जुड़ जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वॉच लिस्ट है उसने कैसा परफॉर्म किया। तो जो हमारे वॉच लिस्ट में पहला था वो यूपीएल था, यूपीएल हमारे बाय लिस्ट में था, तो यूपीएल स्टार्ट हुआ नेगेटिव में, थोड़ा नीचे जाके इधर कहीं से इसने बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी दी, बाद में ये बाइंग साइड आया और अच्छा सा मूव अपसाइड हमें देखने को मिला। बाद में हमारा दूसरा स्टॉक था एरोबिंदु फार्मा, तो एरोबिंदु फार्मा भी एक अच्छा था। एरोबिंदु फार्मा ने क्या किया कि थोड़े ही टाइम में इसने एक अच्छा सा अपसाइड मूव दे दिया, अगर आपने सुबह उसको देखा होगा तो एक सडनली अपसाइड मूव दे दिया, बाद में ये नीचे आने लगा और स्टेबल हो गया। तो ऐसे देखे तो एरोबिंदु फार्मा में हमारी कोई एंट्री नहीं बनती थी। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक था वो अल्ट्राटेक सीमेंट था, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या कहे नेगेटिव ओपन हुआ, बाद में फिनिश भी नेगेटिव में हुआ, तो इसमें तो कोई हमारी एंट्री नहीं होती क्योंकि ये हमारे बाइंग लिस्ट में था। बाद में हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस मैंने कल ही आपको बोला था रिलायंस दो तरह जा सकता है, या तो ये अपसाइड जा सकता है या तो डाउन साइड, लेकिन रिलायंस हमारे के लिए सेल में था क्योंकि हम क्या है कि इसमें सेल साइड लेके जाने वाले थे, लेकिन इसमें क्या है कि अपसाइड मूव दे दिया। मैंने आपको कल ही बोला था अगर इसको 1500 का लेवल ब्रेक करना होगा तो ये सडनली एक मूव देगा, बाद में उसके ऊपर ही ये रहेगा। तो आप देखो तो क्लोजिंग भी 1500 के ऊपर दी थी, तो एक था कि हम रिलायंस में सेलिंग के लिए जा रहे थे लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं, तो इसमें हम इग्नोर करेंगे, तो इसमें हमारे कोई ट्रेड नहीं बना। बाद में हम आईसीआईसीआई बैंक देखे तो आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा मूव आपको दिया है, स्टार्टिंग में नेगेटिव में आया था, बाद में पॉजिटिव आया, बाद में फिर से एक नेगेटिव में आया और नेगेटिव में आपको एक अच्छा मूव मिल चुका था। तो इन सिंपल अगर आपने यहाँ कहीं खरीदा होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यहाँ कहीं खरीदा होता तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होता। बाद में मदर्स एंड सुमी की बात करें तो मदर्स एंड सुमी क्या है स्टेबल मोड में था, तो इसमें हमारी कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि देखो ये इसका लो ही नहीं ब्रेक कर पा रहा था, तो इसका मतलब इसमें हमारी कोई एंट्री बनी नहीं थी। वैसे देखे तो अगर आपको इधर से कोई एंट्री लेते तो एंड ऑफ द डे थोड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन इसमें तो ना ही कुछ प्रॉफिट हुआ ना ही कुछ लॉस हुआ। तो वैसे देखे तो मदर्स एंड सुमी में मेरी तरफ से कोई एंट्री नहीं बन रही थी। तो अब हम आ चुके हैं हमारी वॉच लिस्ट के ऊपर, तो पहले हम बाइंग वाले स्टॉक देख लेते हैं, बाद में सेलिंग वाले देखेंगे। तो जो हमारा बाइंग वाला स्टॉक है वो है सीमेंस, अभी सीमेंस क्यों है उसको देख लेते हैं। देखो एक अच्छा सा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, तो मेरे को लगता है कि इधर से ये थोड़ा रिट्रेस होगा तो ये अप जाएगा, तो अगर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है तब भी अप जाएगा, ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाना चाहे तब भी ये अप जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा रिट्रेस लेगा कल, तो इसके लिए मैं इसको बाइंग साइड डाल रहा हूँ। अगर ये मेरे को बाय साइड का कल ट्रेड देता है तब मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा, अगर ये सेल साइड निकल जाता है तब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। बाद में मेरा दूसरा स्टॉक है वो एलएनटी है, एलएनटी मेरी बाय लिस्ट में क्यों है, सिंपल सी बात है एक अच्छा सा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मेरे को इधर एक कैंडल पॉजिटिव जैसी दिख रही है, पॉजिटिव जैसी दिख रही है, इसलिए मैं इसको क्या है कि कल के लिए ले जा सकता हूँ। कल अगर ये मेरे को क्या है कि बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी दे तब मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ। बाद में मेरा तीसरा स्टॉक है वो कौन सा है, यूपीएल। यूपीएल को मैं फिर से ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है एक डाउन ट्रेंड था, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, लेकिन आज के दिन इसने क्या किया अनडिसीजनल टाइप कैंडल बना दी, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में नीचे गया बाद में ये ऊपर गया, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि नहीं अगर ये इसको ऊपर जाना है तो कल भी ये ऊपर जा सकता है क्योंकि आज अनडिसीजनल कैंडल बनाई, तो इसके लिए मैं यूपीएल को बाइंग लिस्ट में ले जा रहा हूँ, फिर से आज इसको ऐड करूंगा। बाद में मैं एक्सिस बैंक को ले जाऊंगा, एक्सिस बैंक मेरा क्या है कि ये दोनों साइड का है, एक्सिस साइड में इसमें बाय भी कर सकता हूँ सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कहाँ आपको बाय करना है कहाँ सेल करना है। देखो सिंपल सी बात है अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तब ये बाइंग में होगा, लेकिन क्या होगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर नहीं पाएगा, अगर इधर से इस लेवल के आसपास से मेरे को कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा दी नीचे आने के तब मैं इसमें सेल आऊंगा। तो इन सिंपल एक्सिस मेरा दोनों तरफ व्यू है, अगर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है विथ वॉल्यूम तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा, अगर ये लेवल के आसपास कुछ मूवमेंट नहीं दिखाता या उससे नीचे आने के साइन देता है
तब मैं सेलिंग में आऊंगा। तो एक्सिस मेरा क्या है कि बीच वाला है, दोनों में इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, देखते कल क्या होता है। बाद में मेरा पहला सेलिंग का स्टॉक है वो टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्यों है वो देख लेते। तो टाटा स्टील में मेरे को एक अच्छा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है कि अभी ये शायद क्या है कि इधर से अपना मूड चेंज करके ये नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इसके लिए मैं इसको सेलिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि इधर एक पैटर्न भी बनी है जो क्या है कि बियरिश पैटर्न है। तो इधर से ये कल अगर ये थोड़ा भी नीचे आता तब भी हम उसमें मूवमेंट कैचअप कर सकते हैं। तो टाटा स्टील मेरा पहला स्टॉक होगा जो सेलिंग लिस्ट में होगा। बाद में मेरा आखिरी और लास्ट स्टॉक होगा वो होगा मथुट फाइनेंस। अभी ये क्यों, देखो ये भी एक क्या है कि एक अपसाइड मूवमेंट में क्या है कि कंसोलिडेट करके चल रहा है। बाद में ये अभी हाल फिलहाल ये अपने क्या है कि रेजिस्टेंस लाइन के भी पास है। कल का अनडिसिजनल कैंडल बने, आज रेड कैंडल बना दी, तो हो सकता है कल ये डाउन साइड जाने की कोशिश करे। तो मेरा जो मथुट फाइनेंस है वो सेलिंग लिस्ट में होगा। इन सिंपल ये लिस्ट में मेरे 3 बाइंग वाले हैं, 2 सेलिंग वाले और एक्सिस बैंक है वो क्या है कि बीच वाला है। अगर ये मेरे को बाइंग में अपॉर्चुनिटी देता है तो बाय करूंगा, अगर सेलिंग में अपॉर्चुनिटी देता है तो सेल करूंगा। देखो कल हो सकता है मार्केट कल पॉजिटिव में रहे, तो जो पॉजिटिव वाले स्टॉक है वो मेरे प्रिफरेंस होगा। अगर मार्केट नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव मूवमेंट स्टार्ट होता है और जो हमारे टाटा स्टील और मथुट फाइनेंस उसके साथ नेगेटिव में निकल जाते हैं, तब मैं उसमें शॉर्ट सेल करूंगा। सिंपल सी बात है, जिस साइड मार्केट होगा और वही स्टॉक उस साइड मूवमेंट देगा तब मैं उसमें बाइंग या सेलिंग करनी होती। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद ही आप क्या है कि कोई स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो ऐसे आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और क्या है कि हम एक इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। तो ये सब आपको लर्निंग करने, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।